एक शख्स की वालिदा बूढ़ी हुई और बुढ़ापे पर उसके ऊपर जो है वो जौफ की कैफियत जो है वो तारी हो गई। तो एक दिन वो शख्स माँ के पास बैठा हुआ था कि बुढ़िया कहने लगी कि बेटा ये किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। वो कहने लगा, अम्मा जान किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही। थोड़ी देर गुजरी थी कि वो फिर कहने लगी, बेटा आवाज़ आ रही है, मुझे बताओ ये किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। वो शख्स फिर कहने लगा, अम्मा जान ये महज आपका वहम है, कोई आवाज़ नहीं आ रही। बूढ़ी माँ ने फिर जोर देकर कहा, मेरे कानों में आवाज़ सुनाई दे रही है, मुझे बताओ ये किस चीज़ की आवाज़ है। इसने कहा, ये महज आपका मुगालता है, किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही। बुढ़िया ने मुतअद्दिद बार ये बात दोहराई तो बेटे से ना रहा गया और वो आग बगोला होकर कहने लगा, आपने ये आवाज़ आवाज़ की क्या रट लगा रखी है, आप नाहक हमारा दिमाग चाट रही हैं, आपका शायद दिमाग ख़राब हो गया है, खुदा के लिए हमारे सब्र का मज़ीद इम्तिहान ना लीजिए और ये तकरार बंद कर दीजिए। माँ ने भी बात सुनकर बेटे से कहा कि फलां संदूक में कापी पड़ी हुई है, वो ज़रा ले आओ। वो शख्स संदूक खोलकर ले आया तो बुढ़िया ने उसे बताया कि जब तुम बच्चे थे तो एक दिन तुमने 70 बार एक बात पूछी थी, जिसका जवाब मैंने उतनी ही बार तुम्हें चूम चूम कर दिया था। तू पूछता जाता था और मैं पेशानी पर कोई शिकन लाए बगैर जवाब देती जाती थी, लेकिन अब बेटे तू अपने और मेरे सब्र का मुवाजना कर। मैंने 7 बार भी ना पूछा था कि तेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो जुबान गया। ये कितनी खूबसूरत हिकायत है, जी और अगर इससे बिल्कुल, इंसान दर्स लेना चाहे तो बहुत कुछ हासिल कर सकता है। हम देखते हैं कि अगर हम रसूलुल्लाह की हदीस है कि जिसने किसी बुज़ुर्ग का एहतराम नहीं किया, किसी बूढ़े शख्स का एहतराम नहीं किया, तो वो मुझसे नहीं, यानी मेरी उम्मत से ही नहीं है ऐसा शख्स जो किसी बूढ़े का एहतराम ना ना करे, करें। मेरी उम्मत के किसी बूढ़े का एहतराम ना करे। जहाँ पर एक आम आदमी के किसी बुज़ुर्गी पर, उसके सफ़ेद बालों पर एहतराम करने ना करने पर इतनी बड़ी सज़ा दी जा रही है कि तुम्हारा शुमार नहीं होगा उम्मत मुस्लिमा से, ना के माँ बाप जिनके लिए कुरान कहराया गया, उफ़ तक ना करना, बिल्कुल माथे पे शिकन ना आए। एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अली मौसी भाई और मेरी बहन को भी सलाम अलैकुम, और जो जनाब मोहम्मद अली पाकिस्तान से भाई मेरी बहन है उसको भी सलाम अलैकुम। मोहम्मद अली लंदन से हो रहा हूँ अली भाई। जी, खुश आमदीद वालेकुम कहते हैं सलाम आपको मोहम्मद अली भाई। रहमतुल्लाह, खुश आमदीद फरमाइए। ये आपका टॉपिक माशाल्लाह बहुत अच्छा है। वो तो मैं दो शेर थे मुझे दलील है, सहारा कोई तो होना था बेकसों के लिए, मेरा रसूल तो आया था बेकसों के लिए, यतीम खुद था यतीमों पे साया रखता था, शजर गना था वो बेआसरा सरों के लिए। सुभान अल्लाह तो सुभान अली भाई, दीने मोहम्मदी ने हर मसले का हल बताया है और उसने चलना है, और हर जमाने में, यानी कि किसी भी जमाने में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो दीने मोहम्मदी और अल्लाह का जो दीन है कुरान है उसका हल निकालता है। माशाल्लाह के जो प्रॉब्लम आ चुकी हैं इस वक्त माशरे में बढ़ रही हैं, अगर मेरी बात पूछें तो मेरे घर में यकीन जानिए हमारी एक रिश्तेदार है, उसके माँ बाप फोत हो चुके हैं, वो जेनी, वो टीचर थी माशाल्लाह, ग्रेजुएशन की थी, जेनी तो आजम खो गई, अब अभी तक हमारे घर में है जिसकी हम उसकी लुक आफ्टर कर रहे हैं। मेरी वाइफ नर्स है, ओल्ड पीपल होम में जाती है, नर्स भी है और केयरर भी है। वो एक लहरा सब्जेक्ट है कि ये जो बिजनेसमैन कर रहे हैं ओल्ड पीपल होम में उसके क्या यहाँ पे क्या हो रहा है वो मैं कभी आपके बाद में शेयर करूंगा। यानी कि ये जो प्रॉब्लम आ चुकी है, मेरी बहन ने आज ओल्ड पीपल होम की बात की है, अखुवत वालों का भी प्रोग्राम आपने देखा होगा, उस प्रोग्राम में एक हमारा सिंह लड़का था, उसे जब इंटरव्यू लिया जा रहा था ना अखुवत वाले के वो हमारा टीवी के ऊपर, तो वो कह रहा था कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह था वो सिंह, लेकिन वो जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसकी माशाल्लाह उसकी उसको पढ़ने के लिए उसके लिए आगे चल रहा था, वो अपने हर गुफ्तगू में इंशाल्लाह कह रहा था। ये मुझे बहुत अच्छा लगा उसकी बात, लेकिन उसने अपना मजहब पे अपने कायम है, पगड़ी पहनी हुई थी, अपना धर्म उसका वही था, लेकिन उसके साथ साथ उन बच्चों के साथ उस ऑर्गेनाइजेशन में वो ऐसी बातें कर रहा था। ये जो ओल्ड पीपल होम है अली भाई, इनका इस वक्त होना बहुत ही लाजमी है, ये मुआशरे के अंदर जन अपना तो इसके इसका हल और जो मेरी बहन कर रही हैं,
अली 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 जाज साहब का भी इंटरव्यू आप सुनेंगे, उसमें भी आपको पता चलेगा कि ये क्या, हम एक तरफ देखते हैं। अगर हम ईडी सेंटर को भी देख लें, माशाल्लाह अगर वो ना होता तो आज माशरे में इन लोगों का क्या हाल होता। अगर ये जो ओल्ड होम पीपल बन रहे हैं, अगर ये ना होते तो फिर इसकी इसका इसका नेगेटिव देखें कि इसके इसके क्या असरात होते। ये लोग, यही लोग आपको सड़कों में बगैर मेडिसिन, विदाउट शेल्टर, विदाउट खाना पीना, ये बेचारे आपको सड़कों पे रोज मिलते हैं, ये भी बैठे होते हैं वहां पे। तो मैं तो उनको, जो लोग पीपल ओल्ड ओल्ड पीपल होम जो है, ये मैं, ये मत मेरी बात समझिएगा कि तौबा नाउज़बिल्ला, मैं ये तबलीग कर रहा हूं कि हर आदमी जब उसका बाप बूढ़ा हो जाए उसको उठाए और ओल्ड पीपल होम में छोड़ आए, ये बात नहीं है। बात यह है कि ये जो जमाना चल रहा है, इस जमाने में इसकी जरूरत आ चुकी है और इसको अच्छे और अच्छे इस्लामी तरीके से, हमने आपने इसको इस्लामी तरीके से दीन के मुताबिक इसकी जो रिक्वायरमेंट है ओल्ड पीपल होम की, उसको हमने पूरा करना है। वहां पे दीनी माहौल भी होगा, वहां पे उनकी लुक आफ्टर भी होगी, वहां पे उनके सेहत का ख्याल भी रखा जाएगा, हर किस्म की। यही दीन का और नबी पाक का मैसेज था कि कुरान कहता है ना कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया, और जिसने एक इंसान की जान ले ली उसने पूरी इंसानियत को खत्म कर दिया। तो ये इंसानी जाने बचाने का ये जो शेल्टर है, ये ओल्ड पीपल होम है, इनकी जरूरत है। और इसके ऊपर कोई उलमा दीन ये कोई फतवा ना दे कि ये गलत काम कर रहे हैं, क्यों गलत काम नहीं कर रहे। इसका हल हमें आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब जिस जमाने में तुम्हारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाए, बैठो और उस मसले को हल करने की कोशिश करो। तो यही तरीका है, और मैं इसके एंटी नहीं हूं, और इंशाल्लाह ताला ये क्या कहते हैं, जो मेरी बहन काम कर रही हैं, रब ताला इनके और बरकत डाले, जितनी हमसे सपोर्ट होगी हम करेंगे। अगर इन इन शेल्टरों को बंद कर दिया गया, ये कभी ये, मुझे एक बहुत दुख ये होता है, ओहो ये मगरब से आ गई, ये फलाम मगरब से आ गया, मगरब ये कर रहे हैं हम उसकी कॉपी कर रहे हैं। भाई अल्लाह के बंदो, अगर मगरब झूठ नहीं बोलता, समझो कि आप नबी पाक की तालीमात में है कि झूठ मत बोलो, अगर मगरब में करप्शन नहीं होती तो ये आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे कि करप्शन ना करो। तो ये चीजें जो अच्छी तो अच्छी हैं वो ले लो, सही बात है, हाँ ले लो। तो अपना थैंक यू वेरी मच अली भाई और मेरी बहन मुझे टाइम देने का। तो अल्लाह ताला हमको इन हालात से निपटने की, आज तो मैंने एक छोटी सी बात करनी, बात करके खत्म करता हूँ। मैंने तो आज सोचा हुआ था कि पूरी दुनिया को, जितने भी हमारे मुसलमान और गैर मुस्लिम है, वो उनको एक वजीफा देना था आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि जिनके घर में रिज्क है उनके लिए, रिज्क तो है लेकिन उनके घर में सुकून नहीं है, और जिनके घर में रिज्क नहीं है उनके घर में रिज्क कैसे आए। ये इंशाल्लाह ताला कल मुझे मौका मिला तो मैं वो एक छोटा सा वजीफा दूंगा, इंशाल्लाह ताला कामयाबी होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर अली भाई और मेरी बहन, मुझे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब का, बहुत शुक्रिया जनाब। तो देखिए मुख्तलिफ जहतों के साथ बात हो रही है, वहाँ पर हम वहीं पर पलट कर आते हैं कि हाँ ठीक है, इसकी ज़रूरत है उन लोगों के लिए नहीं है कि जिनके लिए उनके माँ बाप, उनके लिए जन्नत है, जन्नत है उनके लिए नहीं है, जिसका कोई नहीं है समझ में आता है। कॉलर को शामिल करते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम जी, कौन भाई, कहाँ से? अब्बास डार अर्ज कर रहा हूँ। अब्बास डार साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे, फरमाइए। सबसे पहले तो लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम हज़रत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपके प्रोग्राम के मौजू के हवाले से मैं मौला अली अलैहिस्सलाम का एक वाक्या बयान करता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह इरशाद। तो इस प्रोग्राम के हवाले से, उनके एक सहाबी थे आपके, तो आपके पास के कि मैं बहुत तंग दस्त हूँ, मेरे पास रिजक नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ, तो मेरे लिए कुछ दुआ करें। तो आपने फरमाया अपने वालदैन की खिदमत किया करो। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। तो उसने कहा कि मेरे वालदैन तो इस दुनिया में नहीं है। तो आपने फिर फरमाया कि कब्रिस्तान चले जाओ और उनकी कब्रों पे दुआ करो। तो उसने कहा कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे वालदैन की कब्रें कहाँ हैं। तो आपने फरमाया फिर आप कब्रिस्तान चले जाएं और दो लाइनें खींच लें और तशबीह कर लें कि एक वालदा की कब्र है और एक वालद की, और दुआ करो।
तो अल्लाह ताला आपकी परेशानियां दूर फरमाएगा। तो मैं ये मेरे पढ़ा था तो लिहाजा मैंने कहा मैं आपकी शेयर करूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जज़ाकअल्लाह, बहुत खूब। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जनाब नकवी साहब। आपका नकवी साहब, आप कैसे हैं? बहुत मुद्दत बाद आपकी आवाज़। नकवी साहब, मैं नकवी हूँ। जनाब 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 नकवी साहब, बहुत मुद्दत बाद आपकी आवाज़ सुन रहे हैं माशाल्लाह। जब बेटिया को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत दुआ, अल्लाह मियां को बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि वो आ गई हैं वापस और आप भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आज जो आपका जो कोई टॉपिक है मैं उसको ठीक से यूं नहीं समझ सका कि मैं ज़रा बिजी था, लेकिन कुछ लोगों की जो बातें मैंने सरसरी तौर पर सुनी उससे अंदाज़ा ये हुआ कि शायद आप ये बताना चाह रहे हैं कि इस्लामी माशरे के अंदर वालिदैन का क्या हाल या ये कि जो मुस्लिम ममालिक मुस्लिम ममालिक के अंदर जो ओल्ड एज हाउसेस का बढ़ता हुआ एक रुझान है उसके ऊपर बात हो रही है कि आया इसके क्या फ़वाद हैं और क्या नुकसान हैं, वो लोग जिनके साथ औलादे हैं खुदा ने औलाद जैसी नेमत दी है वो क्यों छोड़ आते हैं, जिनका नहीं है उनका तो समझ में आता है। हाँ देखिए बात यह है, मेरी उम्र खुदा के फजल करम से सब कोई 90 साल से मैं ऊपर हूँ थोड़ा सा, तो मैंने काफ़ी नस्लें देखी हैं। मैंने वो ज़माने भी देखा है कि जब लोग मकामी माहौल में रहा करते थे और वहीं अपने वालिदैन और दादा दादी और फूफा फूफी मामू मामानी इन सब के साथ में मिल जुल के रहा करते थे और उनकी वहाँ तरबियत हुआ करती थी और वो तरबियत वही होती थी जो उनकी अपने घर की होती थी, तो बाहर का असर बहुत कम हुआ करता था। मुलाजमतें भी लोग ज़्यादातर अपने ही इलाके के अंदर किया करते थे। नतीजा उसका ये होता था कि जो मकामी तौर के ऊपर लोग रहते थे तो वो अपने वालिदैन के पास रहते थे, उनका असर उनके ऊपर होता था, प्यार मोहब्बत होती थी, उनकी तरबियत सीखते थे वो लोग, और इसीलिए फिर उनके जहन में उनका अदब भी होता था, वो उनका ख्याल भी करते थे। लेकिन उसके बाद जब तालीम बढ़ी और बच्चे जो थे वो अपने कॉलेजेस वगैरह में जाने लगे और आखिर जब उन्होंने देखा कि हम तो वो अंग्रेजी जानते हैं जो हमारे वालिदैन नहीं जानते और हम वो पढ़े हुए जो हमारे वालिदैन ने नहीं पढ़ा, तो फिर थोड़ा सा जहन के अंदर फर्क पैदा हो गया। और वो जो एक इताशारी का जज्बा था पहले उसके अंदर कुछ दरारें थोड़ी सी पड़ने लगी। फिर उसके बाद वो ज़माना आया जब बाहर से वजीफे आने लगे, स्कॉलरशिप से आने लगे कि साहब आप अमरीका ने इतने दे दिए, जर्मनी ने इतने दे दिए, जापान ने इतने दे दिए, बाहर जाने लगे लोग। वहाँ से जब आए वहाँ की तरफ जिंदगी उन्होंने देखी, अपने आप को इतना आज़ाद पाया उन्होंने, तो उसके बाद फिर वो उनका वो एटीट्यूड जो अपने वाले उनके तरफ था वो मुख्तलिफ। अकबर ने इलाहाबादी ने कहा था कि वो रंग के कॉलेज में तो नहीं, मैं इस वक्त भूल रहा हूँ वो शेर, बहरहाल जब भी मुझे याद आ गया मैं सुना दूंगा। तो मैं कहने का मकसद ये है कि रफ्ता रफ्ता ये जो मोहब्बत का एटीट्यूड था वालिदैन की तरफ वो कम होता चला गया, और फिर एक वक्त वो भी आ गया कि जब लोग अपने सोसाइटी के अंदर इतने जब बड़े हो गए तो उनको ये महसूस हुआ कि अरे ये मेरे वालिद जो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं क्या इनके साथ में मैं रहूँ, तो फिर नतीजा उसका ये हुआ कि जो खलीज थी वो बढ़ती चली गई और फिर हालत नौबत वो जो थी वो ओल्ड होम्स की आने लगी जो अभी सॉफ्ट है। ये एक जो लोग ऐसा कर रहे हैं कि ओल्ड होम्स कायम क्यों, जैसे ईदी हमारे यहाँ कर रहे हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इसमें कोई शुबा नहीं, और उन्होंने बहुत से खानदानों की इज्जत बचाई है, बहुत अच्छा किया है ये, बहुत से बुजुर्गों की इज्जत बचाई है, उनकी ज़िंदगी को बचाने के अलावा अला उनकी इज्जत भी बचाई है। लेकिन ये जाहिर बात है कि ऐसा होना चाहिए हम लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया है, क्या हमारे इस्लाम ने हमको यही तालीम दी थी कि हम अपने वालिदैन को इस तरीके से छोड़ दें? ये बात जो है ये इंतहाई शर्मनाक है। ज़रूरत तो पड़ रही है लेकिन ये हकीकत है कि बहुत सी बातें हैं जो कि हो रही हैं लेकिन ये कि वो होनी नहीं चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ओल्ड होम्स का होना इस वक्त जैसे हालात हैं उसके अंदर बहुत सी जगहों के पर जरूरी हो गया है, लेकिन ये कि उनका होने की ज़रूरत क्यों पड़ी ये एक नहायत ही शर्मनाक बात है हम लोगों के लिए जिनको इस्लाम पसंद होने का दावा है या मुसलमान होने का दावा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके दोनों पहलू हैं, लेकिन बज़ाहिर मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों को
ایسی نوبت نہیں آنے دینی چاہیے کہ ہمارے والدین جو ہیں وہ اولڈ ہومس میں جائیں. معاف کیجیے گا میں نے زیادہ وقت لے لیا. بہت شکریہ, بہت ضرورت تھی ہمیں آپ کی ان باتوں کی. بہت شکریہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ. بہت شکریہ. جی ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اسی بھائی ایک منٹ دیں گے, میں ایک بات کرنی چاہتا تھا آپ سے اور یہی آپ دونوں کے سامنے سوال بھی ہوگا میرا. جی جی فرمائیے. بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے قبرستان میں, اپنے صحابوں کے ساتھ گزر رہے تھے, تو دو قبروں کے درمیان سے گزرے تو وہاں کھڑے ہو گئے, تو پوچھا کہ یہ کیا قبر پہ کھڑے ہو گئے تو اس کا کیا ماجرا؟ انہوں نے کہا کہ یہ دو قبریں جو ہے نا ان کے اندر عذاب ہو رہا ہے. تو پوچھا جی کہ عذاب کس بات کا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک قبر میں جو لیٹا ہوا ہے وہ طہارت کا خیال نہیں رکھتا تھا, کھڑے ہو کے پیشاب کرتا تھا, اور دوسرا وہ ہے جو ماں اور باپ کا بے ادب تھا, ماں کا ادب نہیں کرتا تھا, تو اس وقت عذاب میں ہے. تو حضور پاک نے کہا کہ اگر اس کی ماں زندہ ہے تو اسے کہو کہ اسے معاف کر دے, اگر وہ معاف کر دے گی تو اس میں سے عذاب ٹل جائے گا. تو پتا چلا کہ اس کی والدہ فوت ہو چکی تھی, تو حضور پاک نے دو درخت کی ٹہنیاں جو تھی وہ لیں اور ان دونوں قبروں میں لگا دیں اور کہا جب تک یہ ٹہنیاں سبز رہیں گی ان پہ عذاب نہیں رہے گا, جب سے ٹہنیاں سوکھ جائیں گی تو پھر عذاب شروع ہو جائے گا. اب دونوں سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ماں باپ کے بے ادب ہونے پہ قبر میں بھی جا کے اس پہ عذاب ہو اور ماں ہی اس کی دعا دے, باپ ہی اس کو دعا دے کہ اس کو عذاب سے بچا سکتا ہے, تو کیا ہم اولڈ ہاؤس میں اپنے ماں بہنوں کی خدمت, اپنے والدین کی خدمت نہ کرتے ہوئے انہیں اولڈ ہاؤس میں ڈال کے کیا ہم قبر کے عذاب سے بچ جائیں گے؟ کیا ہمیں عذاب جو ملے گا اس سے وہ ہمارا چھٹکارا ہو پائے گا خدمت کے بغیر؟ یہ میرا دونوں کا سوال ہے, آپ اس کا جواب دینے تو مہربانی ہوگی. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. بہت اچھی بات کی نقوی صاحب نے کہ اور نقوی صاحب نے بھی, دونوں نے بہت خوبصورت جو ہے وہ گفتگو کی کہ ریسنٹ جو بات یہ ہے کہ بالکل اگر انسان کے اندر یہ شعور ہو کہ وہ یہ کیا کر رہا ہے, جیسے کہ ماں باپ کے لیے قرآن میں صاف صاف آیا کہ اف تک نہ کرو, ماتھے پہ شکن نہ آئے, اور پھر رسول اللہ کی حدیث ہم نے پیش کی, اور اس ضمن میں بہت حقوق والدین کے لیے بے شمار مکتب کے اندر اگر آپ دیکھیں تو محمد والے محمد سے بے شمار حدیث ملیں گی, قرآنی تعلیمات بھی آپ کے سامنے ہیں, تمام چیزیں ہیں, پھر بھی اگر ایک آدمی لے جا کے اپنے ماں باپ کو جمع کراتا ہے تو اس سے ظاہر ہی ہوتا ہے کہ اس کو کسی چیز کا پاس نہیں ہے, یا تو وہ ان چیزوں سے لابلد ہے, وہ نہیں جانتا کہ کیا ہے, اس تک وہ مکتب منتقل نہیں ہوا, یا پھر وہ نان بلیور ہے, وہ تمام سنتا تو ہے یقین نہیں کرتا. اگر وہ ان دونوں میں سے بھی کوئی ایک چیز مطلب یقین بھی کر رہا ہوتا, ذرا سا بھی اس کو معلوم ہوتا, ایسا تو کوئی شخص نہیں ہے کہ پورے مسلم معاشرے میں رہے اور اس کو والدین کے لیے کبھی اس کے کان میں بھتکی نہ پڑی ہو, ممکن نہیں ہے. ماں باپ سے بھی سنا ہوگا, محافل و مجالسوں میں بھی سنا ہوگا, تو پھر آیا ایسا کیوں ہو رہا ہے, اتنا نافرمان کیوں ہے؟ بہت ساری اس کی چیزیں نکلتی ہیں. بہرحال جو ہے وہ ایک ہی قرآن میں علی بھائی آنے والی یہ جو آیات جن میں کہہ دیا گیا کہ اللہ کی بات کو فوراً بعد والدین کی فرما برداری کا حکم دیا گیا, صاف صاف اس کے بعد تو ضرورت ہی نہیں رہتی کسی بھی چیز کی, اگر آپ ان آیات کو ہی صرف سمجھ جائیں تو, یا تو پھر وہ ماننے والا ہی نہیں ہے بالکل, یا بالکل مطلب یقین ہی نہیں کر رہا, یہی سمجھ میں آئے گا. جی کال کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. ہیلو جی, السلام علیکم و رحمۃ اللہ. اس میں اکبر الہ آبادی نے اسی فخر پر ظاہر کیا ہے, اس نے یہ کہا ہے کہ رنگ کالج کا تو بیٹے نے بھی رکھا قائم, رنگ باطن میں مگر باپ سے بیٹا نہ ملا. تو یہ جو چیز ہو گئی ہے وہ فرق جو پیدا ہو گیا ہے, جب اولاد جو ہے وہ اپنے آپ کو برتر سمجھنے لگتی ہے تو پھر اس کے بعد یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور عیدی ہوم اور اس ٹائپ کی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. اس طرح کے پروگرامز کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ ان کے اس طرح کے لوگوں کے مردہ ضمیروں کو جھنجھوڑا جائے, کاش کسی ایک آدمی کی اصلاح ہو جائے, کوئی ایک آدمی کے ضمیر بیدار ہو جائے. آج کل تو بہت ضمیر بیدار ہو رہے ہیں لوگوں کے, روز ٹی وی پہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں بیٹھے بٹھائے ضمیر بیدار ہو جاتا ہے. تو مطلب سیاسی طور سے ضمیر بیدار ہونا ایک الگ چیز ہے, مگر حقیقی معنوں میں ضمیر بیدار ہونا
जो है उसके ऊपर वादा इलाही आता है बिल्कुल कि सूरज की रोशनी नहीं पड़ती किसी ऐसी भी चीज़ पर, उससे बेहतर नहीं है कि किसी एक इंसान को निजात का सामान कर दिया जाए। तो इस मीडिया का, और वो भी हिदायत टीवी का खासा है, इसका नाम ही हिदायत है, ये हिदायत बांटता है, हिदायत घर घर लेके गया है। तो बेशक बेशक ये सुबह का पहला प्रोग्राम होता है जिसकी सुबह हिदायत के साथ होती है। बिल्कुल, हम अपना जो है तो उसका हमारा फरीजा जो बनता है, हमारा जो कोशिश करते हैं कि अदा कर सकें, फ़र्ज़ बनता है वो ये कि काश कोई एक शख्स के भी दिल में आ जाए और उसका ज़मीर बेदार हो जाए कि मैं अपने माँ बाप को कहाँ फेंकाया हूँ, और वो चला जाए और अपनी जो खोई हुई जन्नत है उसको हासिल कर ले। तो हमारे बैठने का और ये बात करने का, मेहनत करने का मकसद अदा हो जाएगा। बिल्कुल, कि वरना रोज़ एक डिफरेंट टॉपिक के साथ आना, एक रूटीन होना एक अलग चीज़ है, और उसके अंदर मानवियत होना और उसके अंदर उसकी जाज़बियत होना एक अलग चीज़ है। बिल्कुल, कि उस चीज़ को फ़र्ज समझते हुए और परवरदिगार की बारगाह में दुआ के साथ उसको शुरू किया जाए कि परवरदिगार मैं ये काम बड़े इखलास के साथ तेरी बारगाह में कर रहा हूँ, और ये मौजू रखने का, ये टॉपिक रखने का मकसद ये है कि काश कोई भूला भटका वापस ऑन ट्रैक हो जाए। ऑन ट्रैक हो जाए तो हमें नहीं पता, जब सब जिस तरह सब जाएंगे हम भी जाएंगे दुनिया से, बिल्कुल, तो वहाँ जाके मालूम होगा कि भाई इसका क्या फ़ायदा, क्या सिला मिला। तो हमारी कोशिश होती है कि अगर कोई शख्स, आज के प्रोग्राम के हवाले से बात करूँगा, अगर छोड़ आया, ओल्ड हाउस में डाल आया है और माँ बाप जिंदा हैं, खुदा के वास्ते वापस जाए और अपनी जन्नत को अपने हाथों से तबाह होता हुआ ना देखे, उनको इससे कबल के वो ना रहें, और फिर तुम सारी ज़िंदगी ढूंढते रहो उनको, और उस चाहत को, उस मोहब्बत को, उन दुआओं को महसूस करते रहो और वो तुम्हें ना मिल सके, ना मिल सके, और दिल के अंदर धड़का रहे और ख़ुद भी फिर अपनी औलाद के हाथों ज़िल्लत आमेज़ एहसासात के साथ दुनिया से जाओ, बेहतर है कि अभी लौट जाओ और अभी जो है वो अपनी जन्नत को हासिल करो, अपने माँ बाप की खिदमत कर लो। तो मकसद सिर्फ इन टॉपिक्स को रखने का, इन प्रोग्राम्स को करने का यही होता है। और नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं कि आप वालदैन को ओल्ड पीपल होम में ना भेजें, बल्कि घर में मौजूद हैं अगर आपके वालदैन तो उनको टाइम दीजिए, उनके साथ वक्त गुजारने की कोशिश करें। अगर वो अब दुनिया का एक्टिव पार्ट नहीं रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको उनके हिस्से का टाइम ना दें, बल्कि उनको दुनिया से इन टच रखिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए कि वो आपके वालदैन की जो है वो खिदमत करें। जी नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।